कोरोना काल के चलते पिछले 6 महीने से प्राथमिक स्कूल बंद पड़े हैं, जिस कारण बच्चों को पढ़ाई में दिक्कतें भी आ रही हैं। हालांकि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार शिक्षक व्हाट्सएप के माध्यम से स्कूली छात्रों को कामकाज घर भेज रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र गरीब तबके के अधिक होते हैं। उनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, जिस कारण ये छात्र शिक्षा से वंचित भी रह जा रहे हैं। लेकिन बड़सर विधानसभा क्षेत्र के मक्कड़ स्कूल के अध्यापक देशराज अपने स्कूल के छात्रों को घर घर जाकर पढ़ाई भी करवा रहे हैं, जिसकी लोगों ने भी जमकर सराहना की है। अध्यापक देशराज के द्वारा 2 दर्जन बच्चों को पढ़ाने के लिए इस तरह का काम किए जाने से अभिभावक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो बच्चे भी घर में ही पढ़ने का मौका प्राप्त करके खुश हैं। लेकिन गरीब तबके के अभिभावकों के पास एंड्रॉयड फोन की सुविधा ना होने के चलते बच्चों को स्कूल द्वारा दिए गए होमवर्क वे नहीं करवा पा रहे हैं, जिस कारण उनके बच्चे शिक्षा से भी वंचित रह रहे हैं। लेकिन अध्यापक देशराज ने इन छात्रों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए उन्हें घर पर ही पढ़ाने का निर्णय लिया। देशराज घर घर जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसकी लोगों के अलावा बच्चे भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। मक्कड़ स्कूल के छात्रों विकास ठाकुर नीना ने कहा कि उनके अध्यापक उनके घर आकर उन्हें पढ़ाई करवाते हैं तो उन्हें खुशी होती है। सर, टच मोबाइल था हमारे पास, इसके कारण प्रॉब्लम होती इनकी पढ़ाई में। तो फिर वो सर वैसे पता लगा सर को, वैसे आए और अपना इनको पढ़ाई इनके स्टार्ट किए और वर्क देते हैं और हर दूसरे दिन आगे चेक करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? विकास ठाकुर। विकास ठाकुर जी, आपके सर आपको पढ़ाने आते हैं घर पर? नहीं आते हैं। क्या नाम है उनका? श्री देशराज जी। क्या करते हैं वो? पढ़ाते हैं। कहाँ पर? घर पर। हमारे पास टच मोबाइल नहीं है। जैसे ही हमारे सर को पता चला, वो हमारे घर आकर पढ़ाने लगे। वहीं बच्चों के अभिभावकों ने भी अध्यापक देशराज का आभार व्यक्त किया। तो सर ऐसा है ना, जी किसी के चार चार बच्चे हैं, दो दो तीन तीन बच्चे हैं, मोबाइल लोगों के पास नहीं है। हर बच्चे को मोबाइल पे ऑनलाइन काम आ रहा है, तो अगर एक बच्चा उस मोबाइल को लेकर बैठा तो दूसरे बच्चे का काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए देशराज जी हमारे जो टीचर हैं, वो घर घर जाके बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं और उनका मैं पूरा सहयोग कर रही हूँ, साथ में जा रही हूँ। और मेरी यही कोशिश है कि हर बच्चा जो वो काम कर सके, अगर नहीं है तो उनको नोटिस दिए जा रहे हैं बच्चों को कि ये काम करो, सहयोग पूरा, मतलब मैं अपने घर पे भी बुला के बच्चों को जो काम करवा रही हूँ। सर हमारे पास स्क्रीन टच फ़ोन नहीं है, सिंपल फ़ोन है। तो स्कूल में जैसे सर आते हैं तो उनको पता चला कि इनके पास स्क्रीन टच फ़ोन नहीं है, तो वो खुद घर में आके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई करा रहे हैं, कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं। अध्यापक देशराज का कहना है कि कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि उनके पास बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से फोन पर स्कूल में काम दिया जा रहा था, लेकिन बच्चों द्वारा काम को नहीं किया जा रहा था, तो उन्हें बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाई कराने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के विकास के लिए उन्हें घर घर जाकर पढ़ाना जरूरी है। हाँ, इसके बारे में एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें तब सामने आने लगी जब हमने देखा कि बच्चों का रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। स्टार्टिंग में तो बच्चों ने रिस्पॉन्स देना शुरू किया, मगर हमें एक चीज़ जो बड़ी सामने आई, वो बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि बच्चों का जो स्ट्रेंथ थी व्हाट्सएप पे काम करने वाली, वो डे बाई डे कम होने लगी। तो फिर हमने देखा कि ये क्यों कम हो रही होगी, क्या रीज़न रहा होगा इसका। तो फिर ऐसा कुछ जब हमने डोर टू डोर विजिट किया तो हमने देखा कि, और जब उनको टेलीफोनिकली, सिंपल फ़ोन थे लोगों के घरों में, जब हमने टेलीफोनिकली उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि सर हमारे चार चार बच्चे हैं और एक एक फ़ोन है, अब हम 1-1.5 लाख के तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते चार चार बच्चों के लिए। तो फिर हमने देखा कि अब इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं, और जाहिर है बहुत गरीब तबके के लोग ही आते हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, ये तो आपको भी पता है। तो हमारी सिचुएशन भी बहुत इसमें ऐसी होती है। तो फिर हमने क्या किया कि प्लान किया कि नहीं यार, बच्चों को, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी हमें लेटर ऑन हमें ही भुगतनी पड़नी है, क्योंकि यदि आज हमारे बच्चे नील हो गए या कहीं ना कहीं वो उनका स्टैंडर्ड डाउन हो गया स्टडी का, तो देर से फिर हमें ही वो भुगतना पड़ेगा और हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्योंकि इसकी हम कंटिन्यूटी को बना के रखें, जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कि हम बच्चों की जो कंटिन्यूटी है, जो उनका स्टैंडर्ड है स्टडी का, उस जब हम 3-4 घरों में ऐसे गए तो वहाँ भी तो बहुत ही अजीब सिचुएशन का सामना करना पड़ा। क्योंकि तब जब मैं गया एक घर में ऐसे गया, तो जब मैं वहाँ गया तब उस बच्चे की माँ ने बोला कि सर हमें खोलने बताओ कैसे खोलते इसको, तो उन्होंने मतलब आज तक लिंक ही नहीं खोल पाए वो,
और लिंक के बाद उसको कंटिन्यूस कैसे पढ़ाना है बच्चे को, कार्यपत्र कैसे देखना है, उसका जो वर्क सीट है कैसे देखनी है, जो तो ये सारा मतलब बड़ा ये था। तो ये तो फिर और भी जरूरी बन गया था, बेहद जरूरी बन गया था कि घर घर जा करके ही ये सोल्यूशन होगा। हाँ ये चीज़ है कि जब घर जा करके फिर उनको डिस्टेंस के बारे में बताया, उसके बारे में या मास्क बांटे कुछ, तो ये सारा उसमें हमने कोशिश की मतलब अपनी तरफ से एक अच्छा करने की।